शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा ऐसे हालात खुद महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर बयां कर रही हैं ठाकरे को बार बार ये समझाने की कोशिश की गई कि उनके ही नेताओं के द्वारा कि शरद पवार के साथ में जो राजनीतिक रास्ता आप चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्द की ओर जाता है लेकिन ठाकरे ने एक नहीं सुनी महाराष्ट्र के अगाड़ी गठबंधन पर अब संकट के बादल बढ़ा रहे हैं क्योंकि शरद पवार अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं रहे जो कि ठाकरे को कतई रास नहीं आ रही शरद पवार ने ठाकरे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया और कैसे पवार हमेशा अपने फायदे के लिए तुरंत पाला बदल लेते हैं यानी कि विपक्ष से सत्ता पक्ष बन जाते हैं इसका हम राजनीतिक पोस्टमार्टम करेंगे और रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें देखते रहिए मुद्दा गरम है महाराष्ट्र के महावसूली गठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं साल 2024 तक का दमखम भरने वाली तीनों ही पार्टियां अपने रास्ते बदलने की कगार पर हैं शरद पवार ने इस गठबंधन के नाम पर उद्धव ठाकरे का पूरा राजनीतिक करियर चौपट कर दिया और ठाकरे सिर्फ पवार का हुक्म इसलिए मानते रहे क्योंकि उन्हें इस बात का दरअसल भ्रम था कि पवार उन्हें सत्ता दिलवाएंगे लेकिन पवार ने सत्ता तो दिलवाई लेकिन महज ढाई साल में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का सब कुछ गवा दिया लेकिन अब पवार विपक्ष से सत्ता पक्ष में कब हो गए इसकी भनक ठाकरे को भी नहीं लगी दरअसल नागालैंड में सात सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में ना करके, मुख्यमंत्री रियो और बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है लिहाजा समर्थन नागालैंड में पवार ने लेकिन ठाकरे के राजनीतिक घाव और बदले में धनक राय ठाकरे के खून में नमक डाल दिया जिसकी वजह से पवार पर उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से भड़के हुए हैं वैसे तो यह कोई पहली बार नहीं है जब ठाकरे पवार पर भड़के हों। इससे पहले भी पवार कई बार अमित शाह से लेकर के बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं की तारीफ में कसीदे पड़ चुके हैं तब भी ठाकरे आंखें तरेते नजर आए थे लेकिन ठाकरे पवार का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए इतना ही नहीं जब ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के साथ में जब वाकयुद्ध चल रहा था संजय राउत जेल में बंद पड़े थे तब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए नरमी देखी गई थी तब भी बतौर मुख्यमंत्री ठाकरे सिर्फ पवार को नसीहतें ही दे रहे थे कि विपक्षी खेमे से एनसीपी का घुलना मिलना दरअसल ठीक नहीं है लेकिन ठाकरे तब भी पवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए यानी कि कुर्सी की मजबूरी ने ठाकरे को पवार के इशारे पर नाचने पर मजबूर कर रखा था कुर्सी और सत्ता की जंजीरों पर ठाकरे ऐसे जकड़े हुए थे कि पालघर में हुई साधुओं की हत्या पर भी उन्हें मौन रहना पड़ा मुख्यमंत्री होते हुए भी ठाकरे पागल घर के साधुओं को न्याय न दिला सके तब शायद ठाकरे को एहसास जरूर हुआ होगा कि अब बाला ठाकरे की शिवसेना आजाद तो बिल्कुल भी नहीं रही जब से उन्होंने कांग्रेस और पवार के साथ में गठबंधन किया था मसलन अभी भी सिर्फ तारीख बदली है और सत्ता का परिवर्तन हुआ है सत्ता पक्ष से विपक्ष में बैठ गए ठाकरे लेकिन पवार की धुन पर नाचना उन्होंने बंद नहीं किया था इसलिए अब एक बार फिर से शरद पवार ने ठाकरे ठाकरे को उनकी वफादारी का इनाम दिया है के कट्टर राजनीतिक दुश्मन कहे जाने वाले बीजेपी के गठबंधन वाली नागालैंड की सरकार को पवार ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है शरद पवार ऐसे मजे हुए दरअसल खिलाड़ी हैं कि ठाकरे के खिलाफ उन्होंने ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह फैलाया कि ठाकरे उसे भेद नहीं पा रहे हैं इतना ही नहीं ठाकरे के नेता संजय राउत खुद शरद पवार की फील्डिंग करते हुए दिखाई देते हैं शरद पवार की हमेशा से ही नीति रही है कि, कि किसी भी कीमत पर अगर विपक्ष से सत्ता पक्ष में जाने का मौका मिले तो डील हमें मंजूर है इसलिए पवार की कोई राजनीतिक विचारधारा है जिस पर वो हमेशा अडिग रहे हों ऐसा कहना भी मुझे लगता है कि राजनीति के साथ में बेमानी होगी शरद पवार उन नेताओं में शुमार है जो हमेशा सारे बैर भुलाकर अपनी विचारधारा और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के सत्ता की मलाई खाने को हमेशा तत्पर रहते हैं फिर उसके लिए उन्हें क्यों ना अपने ही गठबंधन के लोगों के खिलाफ में जाना पड़े पवार अच्छी तरीके से यह जानते हैं कि ऐसे गठबंधन बनते और टूटते रहेंगे लेकिन सत्ता का सुख भोगने का वक्त फिर आएगा यह कहना बहुत मुश्किल है वो भी ऐसे दौर में जब शरद पवार खुद राजनीति लेने के सन्यास की उम्र में खड़े हों इसलिए शरद पवार नागालैंड में सत्ता के साथ हो लिए यहां पर बात सिर्फ सत्ता में साथ होने की नहीं बल्कि समस्या ये है कि पीएम मोदी के खिलाफ में साल 2024 में तुम तो उतरने की तैयारी कर रहे हो तमाम विपक्षी दलों को यह आश्वासन दे रखा है कि हम मोदी के खिलाफ होने वाली राजनीतिक लड़ाई में आपके साथ चुनाव लड़ेंगे लेकिन दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार में ही शामिल होने की गुगली फेंक देते हैं शामिल होने का फरमान जारी कर देते हैं पवार की यह चाल सिर्फ ठाकरे को ही नहीं बल्कि दूसरे दलों को भी परेशान कर रही है सोनिया से लेकर के ममता बनर्जी तक नीतीश बाबू से लेकर के चंद्रबाबू नायडू तक सब हैरत में है कि पवार आखिरकार चाहते क्या हैं? एक तरफ विपक्षी दलों से अपील कर रहे हैं कि 2024 में मोदी को हराना है एनसीपी वाले पवार को पीएम का उम्मीदवार भी बता देते हैं प्रशांत किशोर को बंगाल से बुलाकर के दिल्ली में बैठकों का दौर भी शुरू हो जाता है और और अचानक से से बीजेपी के समर्थन वाली सरकार का हिस्सा बन जाते हैं तो पवार की कथनी करनी दरअसल विपक्षी दल भौचक्का रह गया है कि आदमी आखिरकार करना क्या चाहता है घोटालेबाज नेताओं के ऊपर चल रहे कानूनी हंटर को लेकर भी शरद पवार मोदी को घेरते हुए दिखाई देते हैं लेकिन अचानक से नागालैंड में पवार की ओर से उठाया गया ऐसा कदम कयास का बाजार गर्म कर रहा है और इसमें सबसे ज्यादा पिस्ते दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे क्योंकि पवार के भरोसे ही ठाकरे अपना सब कुछ गांव पर लगा करके महाराष्ट्र की सत्ता पर बतौर मुख्यमंत्री काबिज हुए थे लेकिन आज उनके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और वो भी पवार की वजह से और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है क्यों मैं ये बार बार कह रहा हूं शरद पवार को विपक्ष में बैठा पता नहीं कि शोभा नहीं देता शरद पवार को सत्ता पक्ष में रहने की इतनी जल्दी रहती है क्योंकि आपको पता होगा कि जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री और उनके भतीजे अजीत पवार ने बतौर उप मुख्यमंत्री जब शपथ ली थी महाराष्ट्र में उस समय भी इसके पीछे पूरा का पूरा जो राजनीतिक खेल था जो बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी वो शरद पवार की ही बताई जा रही थी क्योंकि शरद पवार इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अगर ठाकरे और बीजेपी के साथ में इनका गठबंधन नहीं हो रहा है तो इनको विपक्ष में रहना पड़ेगा इसलिए शरद पवार के इशारे पर अजीत पवार ने पहल जो है की और बीजेपी के साथ में गठबंधन करके तुरंत रातोंरात शपथ ले ली वो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ वो जो है शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद में जैसे ही महाराष्ट्र की सत्ता के गलियारों में बवाल मचा कि ये तो बहुत मतलब एक तरीके से छल के साथ में अचानक से शपथ जो है ले ली गई बतौर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये सरकार भाजपा नहीं है और इसके बाद में जब शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे इनके बीच में जब सरकार बनाने को लेकर के चर्चा हुई तो शरद पवार ने वहां भी अपना राजनीतिक फायदा देखा कि हम इधर भी और भी ज्यादा मजबूती के साथ में दरअसल हम सत्ता पक्ष का हिस्सा बन सकते हैं और उन्होंने वही किया तो वहां पर भी विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठने का पूरा का पूरा जो खाका तैयार किया था वो भी शरद पवार ने किया था और इसका खुलासा खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी किया था कि उनके इशारे पर ही अजीत पवार के साथ में बीजेपी और एन की गठबंधन वाली सरकार को फॉर्म किया गया था तो कुल मिलाकर के शरद पवार का नागालैंड में इस तरीके का अचानक से ऐलान कर देना बीजेपी के समर्थन वाली सरकार को समर्थन देने का दावा लगना, तमाम विपक्षी दलों की नींद उड़ाने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका यह मानना है कि शरद पवार के बिना 2024 में जो मोदी के खिलाफ में बीजेपी के खिलाफ में जो मोर्चा दरअसल बनाया जा रहा है वो मुमकिन नहीं है और शरद पवार भी गाहे बगाहे ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमें एकजुट रहने की ज़रूरत है एक साथ रहने की ज़रूरत है तभी हम मोदी को 2024 में पटकनी दे पाएंगे लेकिन जिस तरीके की सियासी तस्वीर ये निकल कर के सामने आ रही है जिस तरीके से शरद पवार अचानक से बीजेपी के समर्थन वाली सरकार को समर्थन देने में लगे हुए हैं उससे विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है और इधर उद्धव ठाकरे भी आंखें तरेरते हुए दिखाई दे रहे हैं शरद पवार के खिलाफ में बहरहाल जो पवार ने यह बड़ा ऐलान किया है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे खेमे से लेकर के और भी जो तमाम विपक्षी खेमे हैं उनमें जो हड़कंप मचा हुआ है इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं जल्द लोगों के दूसरे बड़े अपडेट के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साइड बेलाइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे